रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम बनाने वाले हैं शाही शनवारी कढ़ाई। तो हमें उसके लिए चाहिए 1 कप दही, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पिसी हुई, ले लिया है 1.5 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1.5 टीस्पून कढ़ाई मसाला, 1.5 टीस्पून कुटी मिर्चें, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला और 1.5 टेबल स्पून कुटा धनिया। अब हमने 5 अदद टमाटर ले लिए हैं, उसको बीच से कट कर लिया है, और 5 अदद हमने हरी मिर्चें ले लिए हैं। ये प्याज हमने ली है 3 गड्डी दरमियाने साइज़ की। प्याज ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो प्याज डाल सकते हैं, वरना इसको स्किप कर दें। हमने बच्चे का गोश्त लिया है 1 kg। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने 1 कप ऑयल में 2 टीस्पून लहसुन और 2 टीस्पून अदरक का पेस्ट डाल के इसको भुनेंगे। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें अपना गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त शामिल करने के बाद इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसमें हम हल्दी 1 टीस्पून हल्दी और हसबे ज़रूरत नमक इसमें शामिल करके इसको भुनेंगे। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फिर इसके बाद जो हमने प्याज कटिंग करके रखी थी वो आपकी ऑप्शनल है, अगर आप ग्रेवी चाहते हैं तो प्याज ऐड करें, वरना बिल्कुल स्किप कर दें। हम थोड़ी सी ग्रेवी रखना चाह रहे हैं तो इसलिए हमने प्याज उसमें ऐड करिए। अब हमने टमाटर को इसमें रख देंगे, थोड़ा छिलका गलने तक इसको पकाएंगे। जब इसका छिलका थोड़ा गल जाएगा तो इसका हम छिलका उतार लेंगे। फिर हम इसमें 2 कप पानी ऐड कर लेंगे। 2 कप पानी ऐड करके 30 मिनट के लिए इसको गोश्त गलने तक का वेट करेंगे। जब हमारा गोश्त गल जाएगा तो इसमें 1 कप दही डाल देंगे। पानी को खुश्क होने तक हम इसको पकाएंगे। क्योंकि दही भी अपना पानी छोड़ता है। फिर उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे, सारे अपने जो मसाले थे वो सारे ऐड करने के बाद इसको भुनाई करेंगे, जब तक इसकी अपना तेल ना छोड़ दे। इसको अच्छी तरह भुनाई करेंगे जब तक तेल इसका ऊपर ना आ जाए। जब इसका तेल ऊपर आ जाएगा, ये देखिए हमारा बिल्कुल अच्छा तेल ऊपर आने लग गया है। भुनाई करने के बाद इसमें हम अदरक और हरी मिर्ची और हरदनी से गार्निश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें।